नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में हम लोग मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन देखेंगे। इस लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज कवर किया है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस कवर किया है और एंडोगामी और एक्सोगामी को समझाने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए या फिर मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको मैरिज का डेफिनेशन देना है। हालांकि कोई सोशियोलॉजिस्ट इसको सेटिस्फैक्टरीली डिफाइन नहीं कर सका है, लेकिन आपको अपने ओन वर्ड्स में मैरिज का मीनिंग बताना है, अपने ओन वर्ड्स में अपना डेफिनेशन देना है और कोई एक सोशियोलॉजिस्ट होगा उसकी आप डेफिनेशन डाल दो। इससे आपका मैरिज का इंट्रोडक्शन बेहतरीन हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैरिज इज़ अ बेसिक एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोशियोलॉजी। Many sociologists have tried to define the term marriage, but none of them successfully defined the complete concept of marriage. Marriage is a socially and legally recognized union in which two individuals share a common bond. यानी मैरिज एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे दो इंडिविजुअल्स आपस में एक बॉन्ड शेयर करते हैं, जिसे समाज भी रिकोगनाइज करता है और जिसे लॉ भी रिकोगनाइज करता है। ये इसका आसान शब्दों में मीनिंग हो गया। अभी आपको अपने ओन वर्ड्स में डेफिनेशन देना है। द लीगली और फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफ टू पीपल एज पार्टनर्स इन अ पर्सनल रिलेशनशिप इज नोन एज अ मैरिज। ये अपने ओन वर्ड्स का आपका डेफिनेशन हो गया। इसके बाद में आपको कोई एक सोशियोलॉजिस्ट पकड़ना है, उसका डेफिनेशन आपको देना है। जॉर्ज पीटर मर्डॉक एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, उनका डेफिनेशन मैरिज के बारे में इस प्रकार से। अ मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन that involves residential cohabitation, economic cooperation, and formation of a nuclear family. Historically, marriage existed in different forms and it existed in all the different societies across the world. The social institution of marriage has continuously evolved itself. Yani marriage jo hai wo bahut hi basic social institution hai aur purane zamane se exist karti aa rahi hai। और पुराने ज़माने से यानी स्टोन एज के बाद से जो मैरिज है उसने अपने आप को कंटिन्यूसली इवॉल्व किया है और मैरिज अभी बहुत ही अच्छी अपने आप को बहुत ही अच्छे से डेवलप किया है। मैरिज के कई रूल्स हैं, आपको तीन रूल्स मेंशन करने हैं। आपका लॉ एग्ज़ाम है, इनको सिर्फ मेंशन करेंगे तो आपका इंप्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इनको डीपली जानना चाहते हैं तो यूपीएससी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, उनके ऊपर कई बुक्स है उसमें से आप रेफ़र कर सकते हो। तो पहला रूल है प्रोस्क्रिप्टिव रूल, दूसरा रूल है प्रिस्क्रिप्टिव रूल, तीसरा रूल है प्रिफरेंशियल रूल। प्रोस्क्रिप्टिव रूल यानी किन लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए, इसकी जानकारी प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स में दी गई है। किन लोगों से हम लोग शादी कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमको प्रिस्क्रिप्टिव रूल में मिल जाएगी। और प्रिफरेंशियल रूल यानी कई जो ट्राइब्स होती है, कई कस्टम्स होते हैं, कई ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे क्रॉस कज़न मैरिज होता है, यानी मामा की लड़की से शादी का चाचा की लड़की से शादी, ऐसे कई लोग कई ट्राइब्स में शादी करते हैं। तो उनके जो रूल्स है प्रिफरेंशियल रूल्स, आपको प्रिफरेंशियल रूल्स में उनके बारे में जानकारी मिलेगी, यानी क्रॉस कज़न मैरिज कैसे किया जाए या फिर उनके क्या रूल्स होंगे इसकी जानकारी आपको प्रिफरेंशियल रूल्स में मिलेंगी। आपको लॉ एग्ज़ाम में उनको सिर्फ मेंशन करना है, एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ मैरिजेस एक्सप्लेन करने हैं। टाइप्स ऑफ मैरिजेस में टोटल मैंने 7 मैरिजेस यहाँ पे दिए हैं, हर एक को मैंने यहाँ पे 1 सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और हर एक को इंडिविजुअली एक एक स्लाइड में एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। तो इन सभी स्लाइड को आप अच्छे से देखना। सबसे पहला है मोनोगामी, वन स्पाउस इन अ लाइफ टाइम। सीरियल मोनोगामी यानी वन स्पाउस एंड रीमैरिंग अनदर आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट स्पाउस। पॉलीगैमी यानी वन इंडिविजुअल एंड मैनी स्पाउसेस। पॉलीजाइनी यानी वन हस्बैंड एंड मैनी वाइफ्स। पॉलीएंड्री यानी वन वाइफ एंड मैनी हस्बैंड्स। एंडोगामी यानी मैरिज विद इन अ ग्रुप। एक्सोगामी मीन्स मैरिज आउटसाइड अ ग्रुप। यानी आपको हर एक मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मोनोगामी, इन मोनोगामी एन इंडिविजुअल मैरिज टू वन स्पाउस इन हिज लाइफ टाइम। अंडर दिस सिस्टम A man marries only one wife in his lifetime and after his wife dies, he does not remarry. यानी एक हस्बैंड होता है, वो वाइफ से शादी करता है, लेकिन वाइफ मरने के बाद भी वो अगर दूसरी शादी ना करे
तो ये कहा जाएगा कि ही इज कमिटिंग मोनोगामी एंड अ वुमन मैरिज ओनली वन हस्बैंड एंड डज नॉट रीमैरी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो सेम अप्लाइज फॉर वुमेन एज वेल, अगर हस्बैंड मरे और वो शादी ना करे तो इसको हम लोग बोलेंगे शी इज़ फॉलोइंग मोनोगामी। मोनोगामी इज़ वाइडली फॉलोड इन इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो आइदर मोनोगामी या फिर सीरियल मोनोगामी फॉलो करते हैं। सीरियल मोनोगामी हम लोग जानेंगे व्हेन अ पर्सन रीमैरीज अनदर पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ और डिवोर्स ऑफ द फर्स्ट स्पाउस, देन इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सीरियल मोनोगामी। यानी आइदर आपकी स्पाउस मर जाती है या फिर उसका डिवोर्स हो जाता है, इसके बाद में शादी करना, इसको हम लोग बोलेंगे सीरियल मोनोगामी। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि इंडिया में आइदर मोनोगामी और सीरियल मोनोगामी बहुत ही ज़्यादा हद तक फॉलो की जाती है। हाउएवर द पर्सन कैनॉट मैरी मोर देन वन स्पाउस व्हेन द फर्स्ट मैरिज इज स्टिल फंक्शनिंग, इसको हम लोग बोलेंगे पति पत्नी और वो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसको हम लोग सीरियल मोनोगामी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर सोशियोलॉजी की भाषा में पॉलीगैमी। रीमैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट वाइफ इज स्पेशली कॉमन फॉर मैन इन इंडिया। यानी अभी मैंने आपको बोला था कि स्पेशली जो लड़के हैं या फिर मैन है वो सीरियल मोनोगामी फॉलो करते हैं आफ्टर द डेथ और डिवोर्स ऑफ फर्स्ट स्पाउस। पॉलीगैमी, पॉलीजाइनी और पॉलीएंड्री ये सभी इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और इनका पेरेंट कॉन्सेप्ट है पॉलीगैमी। मैरिज टू वन और मोर मैरिज टू मोर देन वन मेट एट द लाइफ एट द सेम टाइम इज नोन एज पॉलीगैमी। यानी मोर देन वन स्पाउस से एट द सेम टाइम शादी करना, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगैमी। पॉलीगैमी के टू टाइप्स होते हैं, पॉलीजाइनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीजाइनी यानी वन हस्बैंड एंड मेनी वाइफ्स, यानी एक पति की अनेक पत्नियां, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीजाइनी। ये स्पेशली इस्लाम में फॉलो किया जाता है। एज पर द इस्लामिक लॉ अ इस्लामिक मैन इज परमिटेड टू हैव फोर वाइफ्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्पाउस। पॉलीएंड्री यानी वन वाइफ एंड मेनी हस्बैंड, इसका वन वर्ड में अगर मैं आपको समरी बताना चाहूँ तो जो द्रौपदी ने किया था महाभारत में, इसको हम लोग बोलेंगे सोशियोलॉजी की भाषा में पॉलीएंड्री, वन वाइफ एंड मेनी हस्बैंड। इसका टोडा ट्राइब जो है तिब्बत में और नॉर्दर्न इंडिया में, इसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना होगा टोडा ट्राइब के बारे में। टोडा ट्राइब जो है वो तमिलनाडु में भी पाई जाती है और वैसे ही मिलती जुलती जो ट्राइब्स है वो तिब्बत में है, और तिब्बत में पॉलीएंड्री का जो कस्टम है वो फॉलो किया जाता है। तो टोडा ट्राइब को आप अच्छे से मेमोराइज कर लेना, आपका इम्प्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने मैप एक्सप्लेन किया है। इस मैप में ब्लैक में आपको जो कंट्रीज दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और यूरोप कॉन्टिनेंट, चाइना, इन सभी देशों में पॉलीजाइनी इल्लीगल मानी जाती है। पॉलीजाइनी का मतलब है वन हस्बैंड एंड मेनी वाइफ्स। पॉलीएंड्री बेसिकली सिर्फ कुछ ट्राइब्स में फॉलो की जाती है। टोडा ट्राइब जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में पाई जाती है, और तिब्बत की कुछ ट्राइब्स है वहाँ पे पॉलीएंड्री फॉलो किया जाता है, और पॉलीजाइनी बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज में उसको लीगल माना गया है। और आपको ये जो ब्लू में दिख रहा होगा कंट्री, यहाँ पे सारा मिडल ईस्ट दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, सऊदी अरेबिया, और जो नॉर्थ अफ्रीका है जहाँ पे मोस्टली सारे इस्लामिक कंट्रीज है वहाँ पे पॉलीजाइनी लीगल मानी जाती है। ग्रीन में आपको अपना इंडिया दिखेगा, ग्रीन में जो दिख रहा है यहाँ पे पॉलीजाइनी जो है वो इस्लामिक लोगों के लिए लीगल मानी गई है इंडिया में, वो इंडिया में पॉलीजाइनी को फॉलो कर सकते हैं, यानी वन हस्बैंड मैनी वाइफ्स। और ऑरेंज में आपको दिखेगा नॉर्थ एशिया, जिसमें आपको रशिया दिखेगा मोस्टली, वहाँ पे पॉलीजाइनी जो है वो इल्लीगल है, लेकिन उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, वो एक सिविल ऑफेंस है, उसके फाइन्स है, हालांकि वो इल्लीगल मानी गई है, लेकिन उसको कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होता है। अभी हम लोग एंडोगामी और एक्सोगामी को समझेंगे। एंडोगामी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन अ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, कास्ट और एथनिक ग्रुप। दोज हु प्रिफर एंडोगामी ऑफन रिजेक्ट द पीपल फ्रॉम अनदर ग्रुप, कास्ट और एथनिक ग्रुप फॉर मैरिज।
यानी अपने ग्रुप के अंदर की लड़कियों से शादी करना, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोगामी। अपनी कास्ट की लड़कियों से शादी करना, अपने कास्ट के लड़कों से शादी करना, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोगामी। एक इंडिया का एग्जाम्पल लिया जाए तो एंडोगामी रिक्वायर्स अ पर्सन टू मैरी विद इन अ कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ विच ही और शी इज ऑलरेडी अ मेंबर। यानी एक इंसान या फिर एक मर्द या फिर औरत एक जिस ग्रुप में, जिस स्पेसिफिक कास्ट में या फिर जिस एथनिक ग्रुप में पैदा हुए हैं, उस पर्टिकुलर कास्ट से, ट्राइब से या फिर ग्रुप से शादी करना, या मतलब ग्रुप में, ग्रुप की ही कोई मेंबर से शादी करना, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोगामी। एग्जाम्पल, मैरिज विद द सेम कास्ट, वर्ण और गोत्र, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोगामी। अभी हम लोग एक्सोगामी की बात करेंगे। एंडोगामी जैसे मैंने अभी आपको समझाया, उसी के ठीक अपोजिट है एक्सोगामी। एक्सोगामी इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एंडोगामी। इट रिक्वायर्स दैट एन इंडिविजुअल शुड मैरी अ स्पाउस आउटसाइड ऑफ हिज ग्रुप, अ सोशल रूल विच फॉरबिड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम मैरिंग अनदर इंडिविजुअल फ्रॉम हिज और हर ग्रुप, कास्ट, एथनिक ग्रुप इज नोन एज एक्सोगामी। इन विलेजेस, विलेज एक्सोगामी इज प्रिवेलेंट, विच मीन्स अ मैन शुड नॉट मैरी अ वुमन फ्रॉम हिज ओन विलेज बट फ्रॉम अनदर विलेज। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में कई विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ये कस्टम है कि अपने गांव की लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, दूसरे गांव से आप शादी करो और उनको यहाँ पे लेके आओ। ये ट्रेडिशन अभी भी नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है। बेसिकली जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये जो नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, हिंदी रीजन बेल्ट जिसको कहा जाता है, यहाँ पे एक्सोगामी बहुत ही ज़्यादा फॉलो की जाती है। एक्सोगामी इज स्पेशली प्रिवेलेंट इन विलेजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। द जियोग्राफिकल डिस्टेंस प्लस अनइक्वल रिलेशनशिप इन द पैट्रियार्कियल फैमिली मीन्स दैट द डॉटर इन लॉ विल नॉट बी एबल टू विजिट हर नेटिव प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दस पार्टिंग फ्रॉम अ नेटिव होम वॉज अ सैड ओकेशन फॉर द डॉटर्स एंड ड्यू टू दिस द ट्रेंड ऑफ विदाई सॉन्ग इज प्रिवेलेंट इन इंडिया। यानी नॉर्दर्न बेल्ट में विलेज एक्सोगामी बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है, यानी दूसरे गांव की लड़कियों से या फिर दूसरे शहर की लड़कियों से शादी करना स्पेशली प्रिवेलेंट है इसलिए। और वहाँ के जो गांव होते हैं उनका डिस्टेंस आपस में इतना ज़्यादा होता है, और जो पैट्रियार्कियल यानी उनके जो घर होते हैं वो मेल डोमिनेटेड होते हैं, पितृसत्ताक होते हैं, तो नेचुरली जो नई बहू आती है वो बहुत ही देर बाद, बहुत महीने बाद, बहुत साल बाद अपने घर पे, अपने मायके जा पाती है। इसलिए जब उसकी विदाई होती है ससुराल से, ससुराल के लिए जब उसकी विदाई होती है, तो रोना धोना इसका जो ट्रेडिशन है वो एक्सोगामी से, विलेज एक्सोगामी से ओरिजिनेट हुआ है। आप इसका एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ लो और आपके एग्जाम में डाल दो, ताकि आपके बोनस मार्क्स मिलेंगे। विदाई का जो सॉन्ग्स है उसको आप हाईलाइट कर देना, आपका बोनस पॉइंट्स बढ़ जाएगा। हेंस इन विदाई सॉन्ग्स द पेन ऑफ डिपार्चर ऑफ द डॉटर वॉज डिपिक्टेड। आप सोशियोलॉजी का पेपर लिख रहे हो तो आप अपने मन का भी कुछ डाल सकते हो। ये जो बोनस पॉइंट्स है जिसको हाईलाइट करना, विदाई सॉन्ग्स को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आपके जो 10 मार्क्स है वो 12 मार्क्स हो जाएंगे, 15 है तो 20 हो जाएंगे। छोटे छोटे बोनस पॉइंट से ही आपका अच्छे से पेपर डेवलप हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।